कि आप बहुत सारी ट्रिक्स ट्राई करने के बाद भी आपको YouTube के ऊपर एड्स और एड ब्लॉक का जो पॉपअप है वो देखने को मिल रहा है। ये जो वेबसाइट अभी मैंने ओपन कर रखी है, ये लोग क्लेम करते हैं कि आप पूरी तरह से एड्स और जो YouTube के ऊपर एड ब्लॉक का पॉपअप आता है वो हटा सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको जो है लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरह काम करता है और कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं कोई भी YouTube की वीडियो प्ले करता हूं तो मुझे एज यूजुअल जो है देखिए सामने एड्स देखने को मिल रही हैं। अब मैं डायरेक्टली उस सॉल्यूशन वेबसाइट के ऊपर आपको लेके चलता हूं जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आपको उस सॉल्यूशन को जो है इस्तेमाल करना है। ये जो सॉल्यूशन है मैं आपको मोजिला ब्राउज़र के अंदर दिखाने वाला हूँ। ये जो तरीका है आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, ओपेरा, सबके अंदर आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है टेम्पर मंकी। ये जैसे ही आप अपने ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल करते हैं आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली ये जो एक्सटेंशन है करता क्या है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा या एडिशनल स्क्रिप्ट अगर ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल करनी होती है तो उसके लिए इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो स्टेप है आपको जो है टेम्पर मंकी जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर क्लिक करके उसके डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर जाना है। उसके बाद आपको जो है क्रिएट ए न्यू स्क्रिप्ट ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर आते हैं देखिए नीचे आपको कुछ जावा स्क्रिप्ट के कोड जो है देखने को मिल रहे हैं। यहाँ हमें क्या करना है, एक स्क्रिप्ट है जावा स्क्रिप्ट की, वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, आपके YouTube वीडियोस के ऊपर आने वाली कोई भी एड्स या YouTube की तरफ से आने वाला कोई भी जो ब्लॉक का पॉपअप है वो अपने आप हटा देगी। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पे वो जो जावा स्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी है, आपको जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार हो सकता है कोई वल्नरेबल कोड हो, कोई हैकिंग वगैरह ना हो, तो आप जो है स्क्रॉल डाउन करके आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं क्योंकि इस डेवलपर ने हर कोड के लिए देखिए नीचे कमेंट लिखा हुआ है कि ये क्या काम करेगा, किस तरह से जो है एक्शन को परफॉर्म करेगा। आप सारा कोड पढ़ सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आप जो है इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट है हमने सिर्फ YouTube के लिए लिखी है, तो जैसे आप YouTube वेबसाइट के ऊपर जाते हैं ये देखिए ऊपर आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा कि रिमूव एड ब्लॉक थिंग करके, और वो ऑलरेडी इनेबल है। वो स्क्रिप्ट आप इनेबल या डिसेबल दोनों कर सकते हैं। अब आपके सामने देखिए मैं मल्टीपल वीडियोज़ ओपन करके दिखाऊँगा, किसी भी वीडियो के ऊपर किसी भी तरह की कोई एड या यूट्यूब की तरफ से आने वाला कोई भी एड ब्लॉक का पॉपअप कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब मैं आपको जो है एक बार ये स्क्रिप्ट को डिसेबल करता हूँ और फिर दिखाते हैं कि क्या कोई भी ऐड या एड ब्लॉक पॉपअप देखने को मिलता है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं कोई भी वीडियो प्ले करूँगा एज यूजुअल उसके ऊपर दोबारा से ऐड देखने को मिल रही है। अब मैं आपको एक्सटेंशन के ऊपर भी क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए डिसेबल है, इनेबल कर देता हूँ और फिर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ या फिर किसी और वीडियो के ऊपर जाके दिखाता हूँ कि किसी भी तरह की कोई ऐड या एड ब्लॉक के पॉपअप आपको देखने को। और मेरे लिए अभी तक बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। आप एक बार इस तरीके को जो है ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या ये तरीका आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो मुझे और ऑप्शन जो है फाइंड आउट करने होंगे जो आप लोगों के लिए काम कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।